मैं यूटीएस इंजीनियर से सैयद उमर बात कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो कमेंट्स पीसी 210-8 एमओ M0 का ये डीजल कूलर चेंज कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये कमेंट्स पीसी 210, इसको डीजल कूलर बोलते हैं। स्मॉल साइज है देखने में, लेकिन इसका डीजल हीट नहीं होने के वजह से इसको मॉडिफाई किया हुआ है, इसका डिजाइन बना हुआ है। ये रिटर्न में टैंक के हीट होके डीजल बाकी का टैंक रिटर्न हो जाएगा, फिर FIP पंप से उसको कूल करके भेजेगा। आप देख सकते हैं ये पुराना वाला, ये डैमेज हुआ है, लीक है। मैं इसको नया डाल के चेंज कर रहा हूँ, अभी खोल रहा हूँ। वो पूरा स्टक हुआ है ये पाइप, ये दोनों पाइप टैंक रिटर्न से आएगा, इसमें डीजल का टैंक रिटर्न जाएगा। ये पूरा का पूरा स्टक हुआ है, मैं उसका खोल रहा हूँ, लीक भी हो रहा है। इसका भी खोल रहा हूँ मैं, देख सकते हैं पुराना वाला है। देखने से जल्दी काम होता है, कैसा लाल लाल ना सोना ये क्या हुआ है इसका, ये करना अरे हां ये स्टैंड अप डाल है गो नीचे से डाल वो नहीं इसका मैं डाल देता हूं ना इसका आएगा वो जो के जान जाओ अच्छे से देखो देखो अरे जो फ्रिज से वो ये पुराना वाला निकाल दिया और नया कंडीशन, गुड कंडीशन का लेके आके डाल दिया, फिट कर दिया।
अच्छा स्ट्रांग फिट हो गया। डीजल टैंक है, डीजल डालो ना। आराम से वो गला नहीं है, गला के जैसा बना दिए हम लोग। आज अक्सर से इसी के बीच साइड पे पड़े हैं। डीजल आराम से डालो। साफ वाले डीजल डालना चाहिए 210 के लिए, क्यों बोले तो CRDI इंजन है। आप देख सकते हैं साफ वाला डीजल आराम से डालो। डीजल ऑयल फिल्टर का है, इसको करें। ये डीजल ऑयल का डालने के बाद इसका पाइपलाइन को कनेक्शन लेने के बाद इसका इंडिकेशन का रहना वाटर लेवल डीजल में वाटर कोई मिक्स हो गया तो इसके जरिए से निकल जाएगा और इंडिकेशन दिया जाएगा डिस्प्ले में।